लखनऊ से है। योगी कैबिनेट की अहम बैठक है, सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। कैबिनेट की अहम बैठक सीएम योगी ने की अध्यक्षता, काफी अहम इस बैठक को माना जा रहा है। योगी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली कैबिनेट बैठक की गई है। कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो योगी मंत्रिमंडल का हाल ही में विस्तार किया गया था और उसके बाद ये पहली ऐसी बैठक है जो मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद की गई है। इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। कई ऐसे प्रस्ताव थे जो कुछ समय से लंबित चल रहे थे, उन पर इस बैठक में चर्चा की गई। कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है, इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। सीएम योगी ने इस बैठक की अध्यक्षता की और इस बैठक के लिहाज से यही माना जा रहा है कि विस्तार के बाद से जिस तरह से इस बैठक का आयोजन किया गया है, कह सकते हैं कि योगी मंत्रिमंडल लंबित पड़े हुए कामों को जल्द ही निपटा लेना चाहता है। कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित यादव इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय अमित यादव, जिस तरीके से ये एक अहम बैठक हुई है योगी की अध्यक्षता में, कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो पास भी हुए हैं, क्या अपडेट है आपके पास? प्रस्ताव पर मुहर लगी कैबिनेट की और एक घंटे बैठक आसपास चली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हुई है, साथ में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा मौजूद थे, तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद थे और यह जो प्रस्ताव हुए हैं छह प्रस्ताव पर मुहर लगी कैबिनेट की और छह प्रस्ताव पास किए गए। जी आरती जी, तो जिस तरीके से यह प्रस्ताव पास किए गए हैं योगी के मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद ये बैठक हुई है, पहली ऐसी बैठक है, उस लिहाज से क्या कहना चाहते हैं? काफी लंबे समय से कुछ प्रस्ताव थे जो लंबित थे, अब नया मंत्रिमंडल जल्द से अपनी कार्रवाई में जुट गया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपको बता दें कि आपकी जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था उसके बाद पहली बार तमाम जो नए मंत्री हैं वो कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो नया कैबिनेट है वो इसमें हिस्सा लिया है। तो कैबिनेट की जो बैठक हुई है वो बैठक एक घंटे के आसपास चली है, जिसमें तमाम नए कैबिनेट मंत्री शामिल हुए हैं जिनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर से जगह दी है, नए चेहरों को जगह दी है और इसमें कई सारे प्रस्ताव जो छह प्रस्ताव हैं वो इसमें बताए जा रहे हैं कि उसमें मंजूरी लगी है। छह प्रस्ताव पर चर्चा हुई है, चर्चा होने के बाद छह प्रस्ताव को कैबिनेट में मुहर लगाई है और छह प्रस्ताव को पास किया है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो योगी मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद कैबिनेट की पहली बैठक हुई, छह ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर की मोहर लगी है और कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि काफी ऐसे प्रस्ताव हैं जो लंबित पड़े हैं जिन्हें की मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद ही निर्णय के लिए आगे बढ़ाया जाएगा, तो उस लिहाज से आज की बैठक को काफी अहम माना जा रहा है।